नमस्कार, मैं कृपा संग्राम न्यूज पी आर लाइव देख रहे हैं। इस समय हम बांकीपुर राजकीय माध्यमिक विद्यालय के सामने खड़े हैं, जो एक तरीके से आदर्श सेंटर भी है पटना जिले का। और यहाँ पर कहा जाए तो खास तौर से लड़कियों का एग्ज़ाम है, और अभी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम चल रहा है, और सेकंड सीटिंग में ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। तो हम ज्योग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं, लड़कियाँ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर में उन लोगों की साल भर की जो तैयारी थी कैसी है, और कितना उम्मीद है कि कितना परसेंट मार्क आएगा। कितना परसेंट उम्मीद है? अब आएगा तभी तो बता सकते हैं। किस चीज़ का एग्ज़ाम है आपका? ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का कितना तैयारी है? अब रिजल्ट बता सकता है। रिजल्ट बता सकता है? हम नहीं, विश्वास नहीं है। हम नहीं एग्जाम देने आए। विश्वास नहीं है आपको? विश्वास तो है। हाँ, आ सकता है, उम्मीद है। पेपर भी लीक हो रहा है, इसीलिए डर है क्या? अभी देने जाएंगे, निकलेंगे, उसके बाद ना बता सकते हैं। और लोगों से भी बात करते हैं, स्टूडेंट हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। किस चीज़ का एग्जाम है आपका? ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का है, कितनी तैयारी है? हाँ, 80 से 90 तक। 80 से 90% तैयारी है। हाँ, अपने पर डिपेंड रहना चाहिए इंसान को। अपने पर डिपेंड, पेपर लीक से कोई डर नहीं है? थोड़ा बहुत हर इंसान को डर लगता है। थोड़ा बहुत डर लगता है। आंटी जी, आप एग्जाम दिलाने आई? जी। किस तरीके से तैयारी कराती थी बच्चे? बच्चे को तो पूरा हौसला दिए हैं, बच्चा अपना टैलेंट पूरा में है। एग्जाम भी उसे कल बोली कि मेरा अच्छे से गया है, खुश थी, और आज भी देखी। और एग्जाम जब चलता है तो बच्चे काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, तो नहीं उस कैसे उनको संभाल? उस टाइप के बच्चे नहीं है, बच्चे में थोड़ा कॉन्फिडेंस है अपना। हाँ। वो अपना कॉन्फिडेंस पूरा बना के रखी है, इसलिए वो। आप लोग प्रेशर नहीं ना बनाते हैं? नहीं, उतना बच्चे को प्रेशर थोड़ा भी नहीं देते हैं, लेकिन थोड़ा उसका हौसला देना जरूरी है ना पेरेंट का, इसलिए। आपका भी एग्जाम है? यस सर। कहाँ से आए हैं? दीघा सर। दीघा से आए हैं। डर है? डर तो है सर, फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम बोर्ड का? हम लोग कोरोना वाले स्टूडेंट हैं, तो 10th में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ था। मतलब कोरोना के समय आप लोग एग्ज़ाम नहीं हुआ, डायरेक्ट 12th में आ गए, तो आप लोग एग्ज़ाम हो रहा था, डर तो है? बहुत डर है। और लोगों से भी बात करते हैं, पहली बार बोर्ड है? यस सर, क्योंकि याद करा है तो डर क्यों लगेगा। कितना परसेंट तैयारी है? 90-80% है यही तैयार। पेपर लीक से डर नहीं? नहीं सर। आप कहाँ से आई है? मैं आई हूँ यहाँ मुसलमपुर हाट से। मुसलमपुर हाट से। कितना तैयारी है? मेरा भी उतना ही है, 80%। किस स्कूल से आप हैं? आदर्श उच्च विद्यालय पलंगा से हम। आदर्श उच्च विद्यालय। तो आपने साफ साफ देखा कि यहाँ पर तमाम छात्राओं से हमने बात किया, तो उनका साफ साफ कहना है कि हम लोग पढ़ के आए हैं तो डर क्यों है। और कुछ छात्राओं का ये भी कहना था कि फर्स्ट टाइम हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोरोना के समय 12th 10th में थी, तो उन लोग का बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, उस वजह से कुछ छात्राओं में डर है। लेकिन कुछ छात्राओं का ये भी मानना है कि हम लोग पढ़ के आए हैं, पेपर लीक जैसी तमाम जो घटनाएं, अफवाह उड़ता रहता है कि मुन्ना भाई बैठते हैं एग्जाम सेंटर में, दूसरे के जगह दूसरे देते हैं, तो उस सब बातों को उन्होंने साफ साफ खंडित कर दिया। और उन लोग का साफ साफ कहना है कि हम लोग को पूरी तैयारी है और हम लोग कहीं से डरने वाले नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ PR लाइव देखते रहें।